लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत येनूरकर इमारत और एक वाहन से अपराध शाखा विभाग के पुलिस ने 18,54,022 रुपए का प्रतिबंधित तंबाकू जब्त किया है। इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों में गोलीबार चौक निवासी रुपेश नंदनवार और तेलीपुरा निवासी दत्तू सराटकर का समावेश है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपराध शाखा यूनिट 3 की पुलिस को लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक इमारत में प्रतिबंधित तंबाकू होने की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर छापा मार कार्रवाई की और मौके से लाखों की प्रतिबंधित तंबाकू जब्त की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 22 बोरों में रखी तंबाकू समेत तंबाकू के पैक, सीलिंग, वजन एवं अन्य माल बरामद किए हैं। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।